हंगामे की ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं। यहाँ NCWEB यानी नॉन कॉलेजिएट्स वुमेन एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में छात्र धरने पर बैठे हैं। कई दिनों से छात्रों ने NCWEB के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। छात्रों, NCWEB स्टाफ और पुलिस के बीच नोकझोंक हो रही है। आपकी सारी प्रॉब्लम, हम भी आपके साथ खड़े 8 घंटे से। नहीं नहीं छात्र दिन रात डटे हुए हैं। कई छात्र छात्राओं को अंदर लॉक कर दिया गया। छात्रों ने जमीन पर सोकर और भूखे पेट रहकर रात बिताई। आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 8 विषयों को एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक पैनल की 3rd और 4th कैटेगरी के हिसाब से NCWEB बुलाया गया, लेकिन नौकरियों की बंदरबांट की गई। आरोप है कि NCWEB की चीफ ने अपने चहेते उम्मीदवारों को नियुक्ति का लेटर देकर बाकी वैकेंसी पर रोक लगा दी। आरोप तो ये भी है कि सिर्फ सवर्ण उम्मीदवारों को ही सेलेक्ट किया गया, और जब SC ST और OBC छात्रों के चयन का वक्त आया तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से चयन कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या शिक्षक जैसा पद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा सकता है। यदि MA और NET ही आपके लिए शिक्षक की योग्यता है तो PhD का क्या मतलब है। जब NCWEB के 25 सेंटर पर लगभग 250 हिंदी की सीट हैं, तो 90 और 1-2 कैटेगरी के लगभग 50 लोगों को लेटर देने के बाद बची हुई सीटों का क्या हुआ। क्यों आप अभी भी सीट होने के बाद भी नियुक्ति नहीं कर रहे। जब आंदोलन NCWEB के लिए किया जा रहा है तो SOL का लालच क्यों दिया जा रहा है। जो 90 और 50 नियुक्ति आपने की, क्या उसमें आपने आरक्षण लागू किया है। लगातार इस दिन उस दिन आने का क्या मतलब है। यानी यहाँ सीधे सीधे धांधली की बुआ रही है। इसके खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।